हिंदी सिनेमा के 70 की दशक की मशहूर अदाकारा जिन्नत अमान अब खुद 70 के पार हो चुकी है, लेकिन उम्र का बढ़ना उनके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। उनका मानना है कि बूढ़ा होना युवा होने जितना ही अद्भुत है। जिन्नत अमान को हिंदी फिल्मों में नायिकाओं की भूमिका की नई तरह से परिभाषित करने के लिए जाना जाता है। उनके ही जमाने में नायिकाओं को खुद दुखियारी और बेचारी से अपनी शर्तों पर जीने वाली में महिलाओं में बदलते दिखा गया। यह बदलाव सिर्फ अभिनेत्रियों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं तक ही सीमित नहीं था, बल्कि लुक और स्टाइल में भी दिखा गया है। जिन्नत अमान ने अभिनेत्रियों को अपना आकर्षक पक्ष बेबाकी से दिखाने और अपनी पसंद की कोई भी ड्रेस पहनने की हिम्मत थी। उन्होंने पारंपरिक ही सुंदर है कि अवधारणा को तोड़ा। यह आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन्नत अमान का जन्म 19 नवंबर 1951 को एक मुस्लिम पिता और एक महाराष्ट्रीय हिंदू माँ के घर में हुआ था। उन्होंने पंचगनी के एक बोर्डिंग स्कूल में 9 साल बिताए। जब वह 2 साल की थी तब उनके माता पिता का तलाक हो गया था। उनकी माँ ने एक जर्मन व्यक्ति से शादी कर ली, लेकिन जिन्नत ने इन सब का असर अपनी पढ़ाई पर नहीं पड़ने दिया। वह अपने स्कूल में हेड गर्ल थी। ICC में उनके इतने अच्छे नंबर आए कि उन्होंने छात्रवृत्ति मिल गई, जिससे वह 1 वर्ष की हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए कैलिफोर्निया जा सकी। बताया जाता है भारत लौटने पर उन्होंने कुछ समय तक मॉडलिंग की और मिस इंडिया प्रतियोगिता में एंट्री ली। उन्होंने मिस एशिया पेसिफिक का खिताब जीता और ओपी रलहन की फिल्म हलचल, जो कि 1971 में आया था, इस फिल्म में एक छोटी सी किरदार में नजर आई। उस समय जिन्नत सहित किसी ने भी नहीं सोचा था कि वह एक सनसनी बन जाएगी और हिंदी सिनेमा में शीर्ष स्थान हासिल कर लेगी। खैर, एक इंटरव्यू में जिन्नत अमान ने बताया था, मैंने सोचा भी नहीं था कि हिंदी फिल्म की नायिका बन जाऊंगी। मैं लैंग्वेज की पढ़ाई करने के बाद UN जाकर दुभिसिया बनना चाहती थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो देव आनंद से एक मुलाकात उनके करियर की दिशा हमेशा के लिए बदल देगी। देव आनंद साहब ने उन्हें हरे रामा हरे कृष्णा के लिए कास्ट किया था। जिन्नत अमान बताती है, उन्हें देव आनंद में दूसरे से अलग लगी। मैं साउथ कैलिफोर्निया से आई एक कम उम्र की लड़की जो अपने पीने के लिए पाइप तैयार कर रही थी। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि वह अभिनेत्री बनने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने हिंदी भी नहीं आती थी और उन्हें फिल्म के लिए अपना स्क्रिप्ट टेस्ट अंग्रेजी में ही दिया था, लेकिन देव आनंद के कैमरामैन ने उनकी बात मान ली और आखिरकार उन्हें दम मारो दम मिल गया। खैर अपनी आयु समझ लीजिए। अपनी बाद की फिल्म में जिन्नत ने हिंदी फिल्म में दशकों से चले आ रहे नायिका के चित्रण के तरीकों को बदल दिया। उन्होंने फिल्म यादों की बारात में लोकप्रिय फिल्म निर्माता नासिर हुसैन को अपनी नायकों के प्रति उनके हिस्ट कोण को बदलने के लिए प्रेरित किया। फिल्म में अपने सुपरहिट गाने चुरा लिया तुमने जो दिल को, इस गाने के शूटिंग के दौरान उन्होंने गुलाबी सलवार कमीज पहनने से इनकार कर दिया था। खैर, जिन्नत अमान ने एक कार्यक्रम में शोभा चौधरी को बताया था, नासिर हुसैन की प्रेरणा आशा पारेख थी और वह अपनी नायिकाओं को उसी तरह से तैयार करने के आदि थी, इसलिए उन्होंने मुझे भी आशा पारेख की तरह कपड़े पहनाए। मैं बहुत पतली थी और उस गुलाबी कमीज सलवार और नीले बास्केट में बेहद भड़कीली लग रही थी। जब मैंने इसे देखा तो कहा, सर नहीं, यह काम ही नहीं कर रहा है। मैंने वह पोशाक चुनी जो मैं गाने में पहना है। ऐसा ही नहीं, बताया जाता है हिंदी फिल्म उद्योग में अभिनेत्रियां पहले बिकनी नूतन और शर्मिला टोगड़िया पश्चिमी कपड़े तनुजा नहीं पहनती थी, लेकिन अमिताभ विश्वास के साथ स्टाइल और सेंसुअलिटी की सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए जिन्नत अमान ने अपने किरदारों के साथ हिंदी सिनेमा की रूढ़िवादिता को भी ख़त्म कर दिया। पहले फिल्मों में महिलाओं का किरदार या तो सती सावित्री की होती थी या खालनायिका की, लेकिन जिन्नत अमान ने इस अस्पष्ट बस्टवाड़ों को धुंधला कर दिया और बॉलीवुड की बैड गुड गर्ल बन गई। खैर, साल 1977 में आई सोशल ड्रामा सत्यम शिवम सुंदरम की जिन्नत अमान के फिल्मी करियर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह फिल्म जिन्नत के उन आलोचकों को
उन आलोचकों को मुंह बंद करने का एक जरिया भी था जो उन्हें सिर्फ सेक्स सिंबल और ग्लैमर गर्ल कहते थे। उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम में अपने शानदार अभिनय का लोहा मनवाया था, लेकिन यह फिल्म उनकी झोली में कुछ अजीब तरीके से आई थी। जिन्नत अमान ने राज कपूर को यह समझाने के लिए कि रूपा का किरदार कोई उनसे बेहतर नहीं कर सकता है, एक बहुत ही अनोखा तरीका अपनाया था। ये उन दिनों की बात है जब जिन्नत और राज कपूर फिल्म वकील बाबू की शूटिंग कर रहे थे। बताया जाता है सत्यम शिवम सुंदरम के निर्देशक राज कपूर अक्सर जिन्नत से सत्यम शिवम सुंदरम की बातें करते थे, खासकर रूपा के किरदार के बारे में। तब राज कपूर सत्यम शिवम सुंदरम की पटकथा भी लिख रहे थे, जो क्लासिक शो माय लाइफ माय स्टोरी में बात करते हुए जिन्नत अमान ने कहा था, राज कपूर जी रूपा के चरित्र के बारे में बहुत भावुकता थे और गहनता से बात करते थे। वह अक्सर मुझे बताते थे कि रूपा कुछ चीज़ें कैसे करेगी। हमारे बातचीत ने मुझे बेहद उत्सुक बना दिया। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं रूपा बनना चाहती हूँ। हालांकि बताया जाता है एक दिन अपनी शूटिंग ख़त्म करने के बाद जिन्नत ने रूपा की भूमिकाओं में आने का फैसला किया। उसने घाघरा चोली पहनी थी और जला हुआ चेहरा दिखाने के लिए टिश्यू लगा लिया। वह इस गेटअप से सीधे राज कपूर से मिलने पहुँची, लेकिन उन्होंने दरवाजे पर रोक दिया। बताया जाता है उनसे पूछा गया कि वह कौन है। जिन्नत ने जवाब दिया, राज कपूर साहेब, या यूँ समझ लीजिए राजा जी से कहना, रूपा आई है। जिन्नत अमान को इस रूप में देखकर राज कपूर दंग रह गई। उन्होंने तुरंत अपने पति कृष्णा कपूर को बुलाया, जो जिन्नत के लिए शाइनिंग अमाउंट के रूप में सोने के कुछ सिक्के लेकर आए। खैर, राज कपूर साहेब और देव आनंद साहेब वो अभिनेता थे जो लड़कियां देख के छत से कूद जाते थे। यही नहीं, देव आनंद साहब के ऊपर कोट बैन लगा दिया था कि पब्लिक सिटी में वो काले कोट पहन के नहीं जाएंगी। और राज कपूर साहब और नारगिस की लव स्टोरी भी बहुत ही प्यारा है, या चर्चे है, या यूँ समझ लीजिए हमेशा सुनाए और सुने जाते हैं। खैर, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपको जिन्नत अमान के बारे में वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और नीचे लाल बटन दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिएगा।